हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एसओडी में, हमारे इस नए व्लॉग में, जहाँ पे आप सभी लोगों को हम लोग दिखाने वाले हैं सीएमआर यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा टूर, जहाँ पे आपको एसओईटी एसओडी हमारा क्रिकेट स्टेडियम, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लेक, बनने वाले ऑडिटोरियम्स और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए इस अमेजिंग व्लॉग में, जहाँ आप सभी को एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस थिंग और फनी थिंग्स हमारे दिखाने वाले हैं। तो होप सो आप सभी लोगों को ये वीडियो प्रोडक्टिव लगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो को देखिए, और आने से पहले हमारे इस चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर फूल। आज हम आपको लाए हैं सीएमआर का टूर। क्या आप तैयार हैं यूनिवर्सिटी की सैर करने के लिए? तो बने रहिए इसी व्लॉग में, हम जाएंगे और सैर करके आएंगे। तो हम लोग हैं सीएमआर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे। देख सकते हैं आप लोग, ये रास्ता निकलता है डायरेक्टली टू द बागलूर सर्कल, जहाँ पे आपको रेवा यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करेगा एक रोड। व्हेन यू कम फ्रॉम दैट रोड, दिस इज द मेन गेट। आपको मैं मेन गेट दिखाते हुए चलूंगा। एक्चुअली दो गेट्स हैं, मैं आपको वो गेट भी दिखाऊंगा। तो फर्स्ट गेट, चलो अंदर चलते हैं सीएमआर यूनिवर्सिटी के। लेट्स गो इनसाइड। ये रहा सीएमआर यूनिवर्सिटी का बड़ा सा एंट्रेंस, ये रहा सीएमआर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस। ऊपर एक टावर है एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, स्टूडेंट्स हैज टू वेयर आईडी कार्ड टू गेट एंट्री एंड डे स्कॉलर्स 5:30 के बाद डे स्कॉलर्स अलाउ नहीं है। ओके, एंड दिस इज अवर वॉचमैन पीपल। हाय बोल दो अंकल। हेलो। व्हेन यू कम, एज सून एज व्हेन यू कम इनसाइड द सीएमआर यूनिवर्सिटी, देयर विल बी टू बिल्डिंग्स ओवर हियर। फर्स्ट विल बी दिस गर्ल्स हॉस्टल। ओके, नेक्स्ट विल बी हियर एसओडी, स्कूल ऑफ डिजाइन। तो फर्स्ट हम एसओडी जाते हैं, क्योंकि एसओडी, वेन एवर यू एंटर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द फर्स्ट गेट, मेन गेट, यू विल गेट फर्स्ट एसओडी। लेट्स गो स्कूल ऑफ डिजाइन देख के हम लोग आते हैं। ओके, चले। ये है हमारा एसओडी, स्कूल ऑफ डिजाइन, जहाँ पे स्कूल ऑफ साउंड और स्कूल ऑफ डिजाइन के बच्चे पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी शोन यू, तो चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओके, अंदर वी हैव ए पार्किंग लॉट ओवर हियर, जहाँ पे स्टाफ और बच्चे अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। एसओडी देर बॉयज हॉस्टल जाने का भी रास्ता है, आप लोगों को बॉयज हॉस्टल का भी बिल्डिंग मैं दिखाऊंगा। कम, लेट्स गो, एंड अगर पॉसिबल हो सके तो लेट्स सी हॉस्टलर्स को भी, बात करते हैं हम लोग। कम। तो यूजुअली हम लोग एसओडी को स्टील बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि द मटेरियल विच यूज टू बिल्ड दिस, टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग इज, एवरीथिंग इज मेड बाय मेटल, बहुत ही एंटिक, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। सो डेफिनेटली अंदर जाके देखते हैं, अब बात मान जाते हैं। चलो लेट्स गो इनसाइड। एंड ब्यूटीफुल थिंग ओवर हियर इज, यहाँ पर आपको बास्केटबॉल कोर्ट भी मिलेगा, जहाँ पे बच्चे सुबह शाम खेलते हैं। स्पेशली द हॉस्टल पीपल हु आर लिविंग ओवर हियर, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले बास्केटबॉल, दे ऑल्सो प्ले बैडमिंटन। वी हैव ऑल्सो ए स्मॉल जिम ओवर देयर वेयर स्टूडेंट्स यूजुअली गो। उधर मैं दिखाता हूँ, अगर पॉसिबल मिले तो आपको जिम भी दिखाऊंगा। एंड हियर अब अंदर जाते हैं, चलो एसओडी एक बार देख के आ जाते हैं। चलो कंटिन्यूइंग टू द थिंग, थोड़ी एसओडी, या जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ कूल ब्रीज मिलती है मेरे को, आराम करने का, एक चिल आउट करने का एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है स्कूल ऑफ डिजाइन में। ये है हमारा एसओडी कैंपस, जहाँ पे स्कूल ऑफ डिज़ाइन बच्चे पढ़ते हैं इधर, एंड स्कूल ऑफ साउंड भी है इधर, बच्चे लोग, बहुत अमेजिंग आर्किटेक्चर है, स्टील बिल्डिंग कहते हैं हमारे कैंपस में इसको।
वी हैव एंजॉयड अ लॉट, हमारे ऑडिशंस भी इधर ही होते हैं जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, और बहुत सारे अच्छे से प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव थिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिज़ाइन, सो मेनी लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डिज़ाइन एंड परफॉर्म्ड ओवर हियर, स्पेशली इन ऑल दिस इन होल सी एम आर यूनिवर्सिटी कैंपस. मेरे को एसओडी बहुत पसंद आता है, लॉट ऑफ थिंग्स विच इज रियली क्रिएटिव ओवर हियर. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे संदीप भाई हमारी बहुत सारी मदद कर रहे हैं. तो संदीप भाई जल्दी जल्दी आइए और हमारे से अच्छे व्यंगल में वीडियोज और फोटोज लीजिए. थैंक यू भाईजान. तो एसओडी में आप लोग, आपको दो फ्लोर मिलेंगे. ये है हम जो यहाँ पे खड़े हैं, ये है फर्स्ट फ्लोर, और वहाँ पे आपको सेकेंड फ्लोर मिलेगा. क्लासरूम्स आर ऑल अराउंड इन फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर. आपको वर्कशॉप्स भी मिलेंगी इधर. आपको थोड़े से प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा बच्चों के. इधर आ जाओ मेरे साथ. ये हमारे साउंड स्टूडेंट्स लापता बच्चे हैं. आई डिडंट मीन दैट. इसका मतलब है जो भी आप बच्चे लोग उनके प्रोजेक्ट्स लिए, जस्ट स्कैन देम एंड लिटरली सी द वर्क ओवर देयर. ओके, देखो ये सभी प्रोजेक्ट्स बच्चों ने किए हैं इधर. अच्छे से अच्छा लगता है अगर इधर डेकोरेशन के लिए, मतलब एज एन एग्जांपल सेट करते हैं ये प्रोजेक्ट्स आगे वाले बच्चों के लिए जो भी आते हैं. इट्स पूरे एसओडी में, पूरे के पूरे एसओडी में मेरे को एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो है ये फैन जो कि अमेजिंग तरीके से लटकाए हुए हैं विद दी अमेजिंग क्रिएटिव स्किल. देखो उधर ये फैन, अगर से आप साइड से इधर से देखो, इधर से देखे तो ऐसा फैन लगता है, स्ट्रेट से देखे तो. एंड सी द क्रिएटिविटी थिंग्स, ईच एंड एवरी फेस मेड ओवर हियर हैज यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रैप आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल यू सी, दिस इज लाइक ए गेयर, ये नट बोल्ट है, ये स्क्राफ्ट है, थ्रेड, अनस्ट्रक्चर्ड वुडन पीसेस. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल क्रिएटिविटी. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अमेजिंग है ना ये चीज. देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे. एंड मगर मैं ये पहनूं तो जरूर कमेंट में लिख के बोलो मैं कैसे लगूंगा. आई होप अच्छा ही लगूंगा, है ना. नेक्स्ट. देखो यहाँ पे भी बहुत सारे अमेजिंग पजल्स, क्रिएटिव शेप्स, डिजाइंस, कलरिंग्स, स्केचिंग्स, पेंसिल स्केचिंग्स. तो जो कैंटीन तो अभी फिलहाल बंद हो गई है इधर. एंड हियर स्टूडेंट्स बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं. इधर सो रहा है वो एक्चुअली, है ना. एंड दिस इज अ स्मॉल किड. ये हमारे दोस्त हैं, जब कोई भी नहीं होता ये लोग आ जाते हैं ना. तो यू गाइस हैव सीन मेरा प्रीवियस, अगर वीडियोस देखें फ्रेशर्स डे का, ऑल अदर व्लॉग्स विच आई हैव मेड ऑन द यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे हम लोग फेस्ट किए थे, फ्रेशर्स डे किए थे. सो मेनी लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ ऑलरेडी बिल्ट ओवर हियर. एंड एसओडी के पीछे अगर आप देखो तो ये है बॉयज़ हॉस्टल. बॉयज़ हॉस्टल इट्स 8th floor, मतलब 8 मंजिला इमारत है. 8th floor, इट्स 8th floor बिल्डिंग फॉर द बॉयज़. एंड देर आर लॉट ऑफ बॉयज़ ओवर हियर. सो हम लोग अभिजीत को बात कर रहे हैं जो कि बॉयज हॉस्टल में रहता है. अभिजीत, लेट्स प्लीज टेल अस, हाउ मच मनी डिड यू पे इन द हॉस्टल एंड हाउ मच शेयरिंग आर यू शेयरिंग विद? 1,37,000 आई एम पेइंग. ओके. एंड आई एम डबल शेयरिंग. ओके, डबल शेयरिंग. ओके, दे बोथ ऑफ देम शेयरिंग द रूम एंड दे आर पेइंग 1,37,000 रुपीज. एंड विच ईयर आर यू स्टडिंग इन? 1 year. विच ईयर? फर्स्ट ईयर. बी which BTech IT. Abhijit is studying in BTech IT first year. He is spending 1,37,000 and two sharings in the hostel. And how is the food over here? Nice. Nice, sir. How is your experience? Whether warden is very strict or is no, lenient? No. Very lenient. Or everything is okay? Everything is okay. No. तो फाइनली गर्ल्स हॉस्टल है, देख सकते हैं उधर वो बिल्डिंग बन रही है स्टाफ्स लोगों के लिए. अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स आएंगे उनके लिए वो तैयार हो रही है. एंड हियर इज़ दी गर्ल्स हॉस्टल. ये एक स्पेसशिप जैसा दिखता है मेरे को, बहुत अच्छा सा बनाया है और बहुत ऊंचा बनाया है. ओके, कम लेट्स गो ओवर देयर. बहुत दूर चलना पड़ता है गर्ल्स हॉस्टल को जाने के लिए, फिर भी हम जाएंगे. ऑन दी वे आपको यहाँ भी एक बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा. ये भी अच्छे से बनाए हैं.
उसके बाद जाना पड़ता है हमको आखिरी घड़ी तुलसी रात का रास्ता या फिर अग्नि परीक्षा है इस धूप में हमको उस हॉस्टल तक पहुंचने का। तो चलो उस हॉस्टल तक पहले जाते हैं। हम लोग ठहरे हैं अभी गर्ल्स हॉस्टल जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है हम लोगों के लिए, बॉयज के लिए, फिर भी हम डर के इस जीत को हासिल करते हुए हॉस्टल आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी फैसिलिटीज है, हाइजीनिक है, खाना वगैरह सब बढ़िया है। तो इस हॉस्टल के बारे में हम लोग बात करने के लिए चलो हमारी वाइस प्रेसिडेंट वर्षा के पास चलते हैं। या हेलो वर्षा, वेलकम इन माय व्लॉग। हाय एवरीवन, शी इज वर्षा, शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएमआर कॉलेज। एंड टेल मी वर्षा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल स्पेशली? या बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन अ हॉस्टल, सो वी हैव अ क्राइटेरिया, देयर इज नो क्राइटेरिया, वी हैव अ फी स्ट्रक्चर, so there is a single sharing, double sharing and triple and also four sharing. Okay. So what will be the prices, what will be the cost to living over there? Like the criteria is first come first serve. So the thing is where I have stayed is three sharing. So I paid around 1,36,000, 37,000 for 1 year. For 1 year. It is academic year, not a complete year. This is the thing. Okay. What is your experience, for example, what are the timings to getting in and out? The warden is very strict, how is your experience? No, warden is friendly, but we should follow the rules and regulations what hostel people or like the registrar has told. So then what is the timing, for example? Timing, the evening we should get inside the hostel before 6:30. 6:30. Yeah, and for boys it is up to 8:30. Boys for 8:30. Yeah. And fully secured security. Yeah, security. What are the facilities inside the hostel? Inside, they'll provide a four meals actually, including the snacks and all. Yeah. So other than that, vegetarian or non-veg? Non-veg is twice in a week. Twice in a week. Yeah. Okay. And so it will be difficult for us, for the vegetarians, to come down in the. Definitely hope so. Vegetarians also enjoy, but non-vegetarians can come down and have a meal, okay? Right? Yeah. I've seen most of the girls dancing, enjoying so many things. Yeah, recently we have conducted a hostel festa kind of thing, a fest. So there was a whole week what we have conducted. So there was a culturals, games, DJ nights, and we are planning for movie night as well. Okay. Do you have any idea about boys' hostel? What is this? Boys' hostel was actually parallelly going on for the cultural week. It was not called cultural week. It is just an interaction session. As I am the new to the campus, and also the students who came for the freshers and all. Same prices and same. Same price. Hostel. Yeah. Okay. Same prices and all are same. Whatever the activities are happening in girls' hostel, it will be similar in a boys' as well. Okay. So single sharing is available? Yeah, single sharing is. So single sharing, double sharing, triple sharing, at the cost varies according to the sharing how you would buy. And hope definitely aapko kuch insights mila hoga isse. There'll be some negatives, right? Just share our students what is the negatives, what you felt that should not be there in the hostel. Hostel thing nothing negative kind of thing, because if we are like, they are doing it because of our security. So is there emergency services like ambulance? If we are sick or like if there is any emergency, so they'll take us from the van. Okay. So it will be a quick access for us. अगले 10 साल में हमारी यूनिवर्सिटी इतनी डेवलप होने वाली है जो आप ये खाली एरिया देख रहे हैं, देखो नजारा देख रहे हैं, समाउ द अदर दूसरे स्कूल्स बनेंगे, दूसरे बिल्डिंग्स बनेंगी, दूसरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होंगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनेंगे। एंड आप जो ऑलरेडी देख रहे हैं वो इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, दैट ओनली फॉर द स्टाफ्स एंड द फैकल्टीज विल बी कमिंग हियर फॉर द टीचिंग एंड दे विल बी स्टेइंग देयर। तो ये है हमारी SOET कैंपस, जैसे कि आप देखते हैं बहुत ही, मुझे दूर से अगर देखूं तो इस बिल्डिंग को स्पेसशिप जैसा लगता है। एंड द कलर बैरियर अब देखें, रेड सैंडस्टोन से सजाई हुई है बिल्डिंग। एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और फिफ्थ फ्लोर पे है हमारा MBA के क्लासेस। ओके, और अपोजिट टू दिस बिल्डिंग अगर आप देखो तो यह है ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो कि कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर डेवलप हो रहा है। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत ही प्यारा मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ के लोग। एंड इफ़ यू सी, दिस इज़ लाइक यू कैन सी, दिस इज़ द कैंटीन ओवर हियर। हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ में देखे हैं कैंटीन में दूसरे लोग, आई थिंक कैंटीन वाले चेंज हो रहे हैं।
देखो यहाँ पे है कैंटीन, यहाँ पे है एक एंट्रेंस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, उधर पीछे है और एक एंट्रेंस जो कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। यहाँ पे ऑल टीचर्स एंड फैकल्टीज, प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स अपनी गाड़ियाँ, कार और स्कूटर्स पार्क करते हैं। उधर लेफ्ट साइड में हम लोग स्टूडेंट्स पार्क करते हैं व्हीकल्स। इधर स्टूडेंट्स नॉट अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर द स्टूडेंट्स व्हीकल। ओके, तो एसओईटी के सामने ये प्यारी सी घास है जहाँ पे बैठने के लिए नहीं देते। अभी जो टाइम है मैं उस समय में बैठ रहा हूँ, कोई भी अड़ाने वाला नहीं है। समटाइम्स आपको अगर फोटोज लेनी है सनसेट की या फिर सनराइज की एंड प्रॉपर फॉग की, तो आपको ये लोकेशन पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एसओईटी को, हम लोग अपनी गाड़ियाँ इधर सब पार्क करते हैं, उसके बाद एसओईटी के अंदर यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एसओईटी का एंट्रेंस जहाँ पे हम उधर गाड़ी पार्क करते हैं, जो कि अब कोई भी नहीं खड़ा है। हाँ, तो इधर आइए। तो ये है हमारा एंट्रेंस जो रोज़ाना हम जाते हैं, एंड एज सून एज वी गेट इनटू द एसओईटी आपको यहाँ पे एडमिशन डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर आप एडमिशन कराने के लिए आ रहे हो तो इधर एडमिशन स्टाफ मिलेगा आपको, हर चीज़ की इंक्वायरी इधर मिलेगी। अपोजिट टू दिस ये है लिफ्ट, जो कि फिफ्थ फ्लोर ही है, मतलब 55 फ्लोर्स ही हैं इस बिल्डिंग में, और हम लोग घुसे पड़े रहते हैं इसके अंदर जाने आने के लिए। आई यूजली यूज स्टेप्स टू गो अप, बट ऑल माई फ्रेंड्स एंड ऑल अदर गाइज डेफिनेटली दे घुस जाते हैं अंदर। नेक्स्ट थिंग इज, तो ये है हमारे सीएमआर यूनिवर्सिटी का मॉडल जो कि मैं दिखाऊँगा आपको। सबसे पहले ऑडिटोरियम जो कि उधर बनने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, देयरफॉर प्लेसमेंट फ्लेक्स, इंजीनियरिंग, फूड कोर्ट नंबर 1, देन लाइब्रेरी, देन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इसके बाद लॉ, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ एजुकेशन, देन स्कूल ऑफ डिज़ाइन जो कि हमने उधर देखा, एडमिनिस्ट्रेशन 2, देन गेस्ट हाउस के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, देन बॉयज़ हॉस्टल, ये रहा गर्ल्स हॉस्टल, और यह है स्टाफ हॉस्टल। हाँ, तो अगर आप एडमिशन्स लेने के लिए आ रहे हैं तो ये एडमिशन डिपार्टमेंट, ये हमारे वाइस चांसलर का कैबिन, और हमारे अकाउंट सेक्शन। अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो पीछे से आके उधर फीस करना है। देन दिस इज़ आवर अरुण कुमार सर इनोवेशन सेंटर कैबिन, दैट इज़ हमारे डीन की, देन ऑल द प्लेसमेंट सेल ओवर देर। अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपको 2 स्टेप्स मिलेंगे यहाँ से, और ये है क्वाड्रेंगल जाने का रास्ता। तो ये है क्वाड्रेंगल जाने का रास्ता, यहाँ पे आपको वही जो कि फ़ीस पे करना हो तो आपको उधर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पानी पीने के लिए एक पानी की सहूलत है। देन देयर इज आल्सो इन स्टेप एंड दिस इज़ दी क्वाड्रेंगल। यहाँ पे क्वाड्रेंगल पे हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, चिट चैट करते हैं, बच्चे लोग इधर बैठते हैं, मज़े करते हैं, और कोई ग्रुप डिस्कशन है या फिर कोई भी चीज़ बच्चों को अगर ऑर्गेनाइज करनी है तो यहाँ पे ही करते हैं। हमारी छोटी सी यूनिवर्सिटी में एक दिक्कत तो है, वो है ये है जो हनी बीज, जब आप देख रहे हैं ना हनी बीज, हर जगह बहुत सारे हनी बीज हैं। एक मरतबा तो हमने एक इवेंट कंडक्ट किया था जहाँ पे हनी बीज आकर अटैक करते हैं सब लोगों को। वी हैड टू कैंसिल द इवेंट एंड वी हैड टू पोस्टपोन आवर कल्चरल वीक। एक्चुअली वो कैंसिल ही हो गया ड्यू टू द हनी बीज, वो तो बहुत ही अलग ही लेवल का था। तो जैसा कि ये जाता है वही कैंटीन की तरफ एंट्रेंस, ये नीचे जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ जैसे आप क्वाड्रेंगल के ऊपर आएंगे आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाएगी। ठीक है, यू विल बी गेटिंग ए लाइब्रेरी ओवर हियर। लाइब्रेरी में आपको स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ डिज़ाइन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCA, MBA के बुक्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे स्कैन करके अपना ID कार्ड बारकोड को स्कैन करके अंदर जाना है। यू कैन कीप ऑल योर बैग्स ओवर हियर। एंड यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर जाने के लिए। ऑपोजिट टू दिस क्वाड्रेंगल व्हेन यू कम हियर, हियर इज़ दी लॉजिक डिज़ाइन लैब। दिस इज़ मोस्टली द एनालॉग इलेक्ट्रिक सर्किट्स लैब। ओके, यहाँ पे भी लैब है, आई थिंक 2 भी सेम है। देर इज़ वन लैब ओवर हियर एंड द अदर लैब ओवर देर। बहुत ही अच्छी तरीके से ये मतलब इन्वेस्टमेंट जो की है, डिज़ाइन जो किया है, आई लाइक इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज़ भी पढ़ सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छे एक्चुअली फ्लैश मॉब भी कर सकते हैं। सी दी डिज़ाइन ओवर हियर एंड द थिंग इज़ उधर जो भी देख रहे हैं ये है क्लासेस, उधर हमारा सेमिनार हॉल है ऊपर, और डिज़ाइन थिंकिंग लैब भी है उस पर। डिज़ाइन थिंकिंग लैब की मैं बात करूँ तो अगर मैं फ्री रहूँगा आगे वाले वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली डिज़ाइन थिंकिंग लैब ज़रूर दिखाऊँगा, DT लैब बोलते हैं हम लोग। देन फोर्थ फ्लोर पर हमारा सेमिनार हॉल है,
सेमिनार हॉल के ऊपर है फोर्थ फिफ्थ फ्लोर, जो कि मैनेजमेंट मतलब MBA के वालों के लिए. दिस करंटली दिस जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है इंजीनियर्स के अंडर. तो अगर ये SOET के पास आपको अपोजिट में ये है पार्किंग, जो कि आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. जैसे आप गेट नंबर 2 में आएंगे तो यू हैव टू पार्क योर व्हीकल्स हियर, इधर हियर और देयर. ओके, बाद उसके बाद आप उधर अपनी कॉलेज को जा सकते हैं. दिस इज द गेट नंबर 2. तो ये है गेट नंबर 2. हाँ, तो ऑडिटोरियम यहाँ पे बनने वाला है. ओके, उधर लिखा हुआ है साइट फॉर ऑडिटोरियम. दिस इज द गेट नंबर 2. एंड अब अगर अंदर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा. So coming into the CMR University Lakeside campus, there are a lot of things going on. If you are following me on YouTube, you'd have seen so many events conducted by our colleges. It is an inter-college event, that is like we'll only celebrate these things. There are so many numerous clubs. I would like to share regarding that. My Vice President Varsha will definitely share how many clubs and what are all activities we are all doing over here. Yeah, Varsha, I will like to ask you, tell me something about the clubs and how we are running the student office. Yeah. Student Affairs OSA. Yeah. So all the clubs are under the OSA. Yeah. So yeah, we have around 30 clubs. Yeah. Called Art Club, Drama Club, Film Club, and some of the other clubs as well. As I am a part of the InfoV as a treasurer, so I was a first mine was a first experience in that. So even you were there. I'm a marketing head of the InfoV club. Club. So we work both in the InfoV club as well. So we have numerous clubs. So the students who join the freshers and all, so they can come into the clubs and participate. If they are interested in any other clubs as well, they can give us the names, or there is a registration link provided, so they can join through that. Eventually what the thing is, there is nothing only to come and study and move around. There are so many other platforms where a student can explore their expertise. For example, if you are interested in art, if you are interested in dance, if you are interested in any cultural activity, you can find around, you can just go join to the club and enjoy the day. And this is what even I have experienced in CMR University. Any other thing is, so we have innovation IIC, so innovation cell as well. So in that also we have multiple seminars, webinars, workshops will be going on. So recently we have conducted the Ignite. So you guys all are aware of it, I guess. So in that there was a hardware where how the circulations will be done. It will be useful for the BTech students as well. So more than the management part, so it will be, it is a technical, right? So it will be useful for the BTech students. And NESCOM also, NESCOM authorities also visited our campus, and there are a lot of things going on where students can definitely enjoy the journey of their BTech, MBA and other bachelor stuff which is going on here. And nothing else. Thank you, Varsha. Thank you for giving so beautiful insights and so informative stuff. Thank you. Thank you. तो होप सो आप सभी को हमारा ये छोटा सा व्लॉग जो कि हमने कोशिश की बनाने की, जितना सोचा था उतना हुआ नहीं, फिर भी कोशिश की हमने. होप आप सभी लोगों के छोटे मोटे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे. आई थैंक माय फ्रेंड संदीप जो कि मेरे को बहुत मदद किया इस व्लॉग को पकड़ने में. आई लिटरली एंजॉयड मेकिंग वीडियोज. होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. अगर कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट. आई रिप्लाई ऑन द कमेंट्स. आई रिप्लाई यू गाइज ऑन द कमेंट. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज. तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए. होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. तो एंजॉइंग द वेदर इन द बैंगलोर इन CMR यूनिवर्सिटी. तो मिलेंगे अगले ऐसे ही व्लॉग में. तो चले मिलते हैं. साइनिंग ऑफ, सदी अहमद.